हाँ भाई, तो क्या सीन? सीधे मौत की तरफ से अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई डिस आ चुका है एसओएस के लिए, टीटी शटडाउन। इसमें रिप्लाईज काउंटर्स थे या नहीं, क्या ये डिस बिलो द बेल्ट था, क्यों इसे मचाएंगे फोर्स से कंपेयर किया जा रहा है, और समय रहने का क्या कहना है जो एसओएस ने शॉट्स लिए थे उस पर, हर एक पॉइंट को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो। टीटी शटडाउन जो एक रिप्लाई ट्रैक कम एक नैरेटिव चेंज करने वाला ट्रैक ज्यादा लग रहा है, जिसमें सीधे मौत की नेमिक स्टेप पे जो कॉपी के एलिगेशन थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि बातों को घुमाकर एंगल शिफ्ट करने की कोशिश की है। इस रिप्लाई ट्रैक में बेसिकली एंगल को चेंज करके फीमेल्स पे ला दिया है कि तुमने औरतों को ये बोला वो बोला एक्सेट्रा, वो उनकी पर्सनल बातें, पर क्या ये सही है? ऑफ कोर्स एंगल शिफ्ट करना सही है, बिकॉज तुम खुद सोचो अगर सीधे मौत ने कॉपी किया होगा कॉन्सेप्ट, जो कि किया हो सकता है, पर कौन सा चोरी ये कहता है कि मैंने चोरी की है। मेरी एक थ्योरी है इस कॉन्सेप्ट चोरी करने से रिलेटेड, कि सीधे मौत को पता नहीं था कि ये नेमिक स्टेप वाला कॉन्सेप्ट एसओएस का है, पर सीधे मौत के मैनेजर मो जोशी को ये बात पता थी और उसने इस बात को सीधे मौत से छुपाया और सीधे मौत को ये कॉन्सेप्ट एसओएस से चोरी करके दे दिया। फिर नेमिक स्टेप आउट हो गई, एसओएस कुछ कर नहीं सकते थे, और अगर सीधे मौत कहते कि हमें पता नहीं थी और मो जोशी ने नहीं बताया कि ये कॉन्सेप्ट एसओएस का था, और अगर सीधे मौत सारा ब्लेम मो जोशी पर डाल देते, जो कि वो नहीं करेंगे बिकॉज दे ट्रस्ट ईच अदर, तो भी सीधे मौत को हेट मिलती बिकॉज सभी लोग बोलते कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऑल्सो मो जोशी इतने टाइम से उनके साथ है, इसलिए उसे डाउनग्रेड नहीं किया, ब्लेम डाल के उस पर सारा ब्लेम नहीं डाला। ये तो हो गया ईपी कॉन्सेप्ट कॉपी करने के एलिगेशन के बारे में, अब बात करते हैं बिलो द बेल्ट एलिगेशन के बारे में। क्या इस ट्रैक में सीधे मौत ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया? कुछ जगह मिल रहा है लाइक फेयर क्रिटिसिज्म मिल रहा है सीधे मौत को, यू नो ट्रैक में काउंटर्स की तो कमी थी, वी ऑल एग्री विद दैट, फॉर एंड फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ ऑन डिसरिस्पेक्ट विमेन, पर कुछ कमेंट तो बिना सर पैर के। फर्स्ट, जैसा मैंने मेरे पहले की कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हिप हॉप एक प्रॉब्लमेटिक जॉनर है और हमेशा से रहा है, यहाँ पर वो बातें भी बोल दी जाती हैं जो कि नहीं बोली थी। इट्स अ जॉनर जिसमें बिना फिल्टर्स के बातें बोली जाती है, जैसा मैंने इस वीडियो में भी कहा था। सीधे मौत ने ट्रैक में यूनो एसओएस को हिंजड़ा बोला है, जो कि किन्नर जैसी हरकतें कर रहे हैं, जो कि एक डिस के पर्सपेक्टिव से सही है बिकॉज डिस का मीनिंग ही डिसरिस्पेक्ट है। एसओएस तुम्हें पता है कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और जब सीधे मौत के पास चांस है कि वो इनकी आइडेंटिटी पर अटैक कर सकते हैं, तो वो इस चांस को क्यों गवाए? डिस का एक और मीनिंग है लाइक टू अटैक समवन्स आइडेंटिटी। यूनो हिप हॉप वेस्ट से आया इंडिया में, वहां पर वो अटैक करने के लिए किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं लाइक जेंडर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हाइट, वेट एक्सेट्रा। मुझे समझ नहीं आता इंडिया में एक्सेप्शन क्यों है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, मैं राजस्थानी हूँ, तो जो भी पर्सपेक्टिव राजस्थान की खिलाफ बना हुआ है लाइक यहाँ पानी नहीं है, छोटी उम्र में शादी, तो जो भी मुझे डिस करेगा वो इन रेफरेंसेस को यूज कर सकता है। प्लीज डोंट डिस मी, एग्जांपल दे रहा था बस। ऐसे सभी स्टेट्स के पर्सपेक्टिव बने हुए हैं और यूनो एसओएस कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उसी का सीधे मौत में फायदा उठाया, इसमें गलत क्या है? और किसी महान आदमी ने एक महान बात कही थी कि प्यार और जंग में सब जायज है, फाइट में कुछ भी फेयर और एथिकल नहीं देखा जाता, फाइट्स आर जस्ट फाइट्स। एसओएस ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो सीधे मौत एक्स्ट्रा केयरफुल होकर डिस क्यों बनाए? क्या जरूरत है? सीधे मौत के पास चांस है कि वो पॉलिटिकल, रिलीजियस, टेररिस्ट, एंटी नेशनल जैसे एलिगेशन लगा सकते हैं, ऐसे रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, और एसओएस ने तो खुद के बार्स में ही कह रखा है, तो सीधे मौत ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? ऑल्सो जब एमईवी ने मचाएंगे फोर में कस वर्ड्स का यूज किया, तब एमईवी को हेट मिली थी, जो कि मेरे ओपिनियन में हेट नहीं मिलनी चाहिए थी, बिकॉज कृष्णा ने भी तो एमईवी की जीएफ के बारे में बोला था, पर वो हेट कृष्णा के फैंस ही दे रहे थे, और वो भी इसलिए बिकॉज नैरेटिव चेंज करना था। बुरा तब ही क्यों लगता है जब वो चीज तुम्हारे साथ हो? बुरा तब क्यों नहीं लगता जब वो तुम किसी और के साथ कर रहे हो? और डिसेस में ग्लीच बना बहुत आम बात है, पर अब एक पीआर एजेंसी या फिर एक आर्टिस्ट के फैन ग्रुप्स सीधे मौत को हेट देने के लिए ये सब कर रहे हैं। जब बात डिसेस की होती है तो उसमें सब जायज है, और इन माई ओपिनियन इन सब की शुरुआत पहले एसओएस ने की थी, ना कि सीधे मौत ने। साउंड लाइक आई एम बायस्ड, पर कल तक तो मोस्ट लव डुओ था सीधे मौत का, आज एकदम से हर दूसरी रील सीधे मौत की हेटर्स की है, जहाँ सीधे मौत को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गलत बताया जा रहा है। और मैंने मेरी इस वीडियो में कहा था कि सीधे मौत की तरफ से अगर रिप्लाई आता है तो फैंस डिवाइडेड हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं। अब हर एक हिप हॉप रिलेटेड पोस्ट वीडियोस में दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक जो सीधे मौत की तरफ है, सेकंड जो एसओएस की साइड है, और पहले यही बंदे सीधे मौत के फैंस थे। काउंटर्स किधर है लाला? ये कमेंट जब से डिस ड्रॉप हुआ है तब से हर एक सीधे मौत से रिलेटेड वीडियो के नीचे देखने को मिल रहा है। तुम खुद सोचो सीधे मौत के पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट, पीपल डिमांडिंग फॉर अ रिप्लाई, दे ड्रॉप अ ट्रैक। सेकंड, तुम अगर सीधे मौत की जगह होते तो क्या कहते? हाँ एसओएस, मैंने तेरी ईपी का कॉन्सेप्ट चोरी किया है, जो करना है कर ले। नहीं ना, नैरेटिव चेंज करके बात को घुमाते, वही सीधे मौत ने किया है, और वैसे भी राउंड वन का डिस था तो सारे पत्ते अभी तो नहीं दिखाएंगे, कुछ तो नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ा होगा। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, लील बंटी और चुसंबा के टाइम भी यही सिनेरियो देखने को मिला था, जब ये दोनों ट्रैक एक तरह के वार्म अप ट्रैक थे। ऑल्सो ज्यादा क्रिटिसिज्म सीधे मौत को इसलिए भी फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वीनो सीधे मौत आर लेफ्टिस्ट, पर इस ट्रैक में उन्होंने राइट विंग पीओवी एक्सप्रेस किया है, जिससे कुछ लेफ्टिस्ट फैन अपोजिट साइड सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ओपिनियन में सीधे मौत के पास अपर हैंड है अभी,
because catchy North Indian slangs and wordplay that make them more mainstream friendly. Skill wise both duos are top tier and no doubt DHH ki one of the best lyrical beef ban sakti hai. Chances hain abhi bhi. So just sit back and enjoy. Also subscribe karna mat bhulna channel ko. Ye Seedhe Mouth ka first diss hai. Thodi si expectations zyada thi par round 1 ke hisab se kafi sahi hai. Diss ke baad Samay ne bhi reply diya SOS ko. Samay ka ye kuch kehna hai. Personally mujhe lagta hai SOS ne kuch zyada keh diya. Kuch lines ko agar add na karte to zyada sahi rehta. Aur Samay ki baaton mein thoda dam to hai. Hope you get my point. And you know, like I'll drop the character. Let me be honest. Like I heard the rap. There were some very weird bars in it. Why? What the fuck's up with this, bhai? Patharbazi karo. Bol rahe ho patharbaz. Main apna hug bhi na loo. What is this shit, bhai? What is that shit? What does that shit mean? It's like aatankiya. Tumhara naam hai Kashmir mein. Is that a flex? You should be ashamed, bhai. How many people die? How many soldiers die? Everything, you know, incident there. And that's your flex, bhai. Aatanki hoon main. Kashmir mein aatanki hai. Patharbaz apna hug bhi na loo. That's fucking shame on you guys, bhai. For real. For real. Being like which is John boy magar ishun asal ishun sunit tarat lanat sunit lanat se sunit mete sunit lanat ye kashmiri mein samjhega usko bro like live with peace and pehle masle kam hai kya bhai tum ye sab karke fir ungli फिर इट बिकम्स बिगर देन दिस फकिंग शिट ब्रो इट बिकम्स बिगर देन रैप सी तुम करो ना अपना रैप वैप करो दिखाओ अपना स्किल मेरा फ्लो खजाना है मेरा क्रेजी हूं भाई मैं गाना लर्न बहुत बड़ा करो भाई इट्स ऑल ग्रेट पीपल एंजॉय इट फैंस फकिंग लव इट दे डिग इट दे लाइक ओ बांचो देन लाइक नो बांचो आई डोंट गेट इनटू ऑल दिस शिट भाई दैट इज इट गोस हेवियर देन इट विल बी इन ट्रबल दैट यू कैन नॉट सॉल्व फ्रॉम बार्स द रियल बार्स विल नॉट बी सॉल्व बाय दिस मेरा फ्लो खजाना है ब्रो गाना में मैं इतना लौड़ा है ब्रो मैं गाना फोड़ दूंगा दैट्स ऑल फकिंग ग्रेट फॉर द यूट्यूब एंड इंटरनेट भाई अमेजिंग ऑल द बेस्ट थैंक यू नो Kudos to your writing, bro. Appreciate artist, great. बाकी भी इसी फाइट एंजॉय करो क्या करना है बस दूसरों को लड़ते ही तो देखना है तो देखो ना फालतू क्यों ये सही ये गलत कर रहे हो इंडिया में हिप हॉप में यही दिक्कत है वेस्ट में रैपर्स बहुत ज्यादा पर्सनल जाते हैं अटैक ऑन ईच अदर्स आइडेंटिटी सीधे मौत ने जो कश्मीरी आइडेंटिटी पर अटैक किया है व्हाट्स रॉन्ग विद दैट दिस इज अ फेयर गेम SOS भी एनकोर को पॉल्यूशन बोल सकता है जो की दिल्ली की आइडेंटिटी है जस्ट जोकिंग मजाक कर रहा था वेस्ट में हिप हॉप ओरिजिनेट हुआ और ग्रो कर रहा है रैपर्स डिस करते हैं ब्रूटली और यहाँ रिलीजन का रोना खत्म नहीं हो रहा है जब ओपोनेंट के एक रैपर का नाम ही आतंकी है एंड ही यूज बार्स लाइक नेशन जला दूंगा पत्थरबाज हूँ क्या हक ही ना लूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनकोर प्लेड स्मार्ट मूव्स एंड से UAPA लगा दूंगा जो कि एक आतंकवादी विरोधी कानून है यू नो कश्मीर में आतंकवादी तो है तो एज ए रेफरेंस यूज करने में क्या गलत है ऑल्सो अपोनेंट का नाम ही आतंकी है दैट बार लाइक सो मेनी मीनिंग एंड वर्ड प्लेस इफ यू आर वेटिंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन डिस फ्रॉम सीधे मौत साइड वो तो तुम्हें शायद ही सुनने को मिले इफ दे ड्रॉप अ डिस इट्स फील लाइक अपॉलॉजी फ्रॉम सीधे मौत बीफ में कुछ मसाले नए सीधे मौत ने छिड़क दिए हैं आई नो साउंड्स वेरी डर्टी एंड आई एम वेजिटेरियन बट अब बीफ काफी इंटरेस्टिंग बन चुकी है वेटिंग फॉर SOS रिप्लाई ऑल्सो इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया है बिकॉज SOS ने कहा था नॉट ड्रॉपिंग अनदर डिस आफ्टर दिस वन अगर डिस आता है तो भी हमें लगभग नेक्स्ट मंथ सुनने को मिलेगा बाकी बातें चलती रहेगी तो बस यार आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो कर सकते हो मुझे X और Instagram पर पीस आउट